हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर एकेडमी में। और आज मैं आपके लिए पटवारी परीक्षा 2017 के संदर्भ में महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चनों का एक वीडियो लेके आया हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके परीक्षा एग्ज़ाम में बहुत मददगार साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर है मुरैना में। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान माधव किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है शिवपुरी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ऑर्डर भारत में सर्वप्रथम यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? इंदिरा गांधी जी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक रहा? तो जैसा कि आप जानते हैं, इसका सही आंसर है ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम दूरदर्शन का प्रसारण कब हुआ था? तो इसका प्रसारण हुआ था दोस्तों 15 अगस्त 1980 को, याद रखिएगा स्वतंत्रता के दिन। मिराज 2000 एक लड़ाकू विमान है, इसे किस कंपनी ने बनाया है? इसका सही आंसर है दोस्तों दसॉल्ट एविएशन, फ्रांस की कंपनी है। अगला प्रश्न है, रजिया ने किसे अपदस्थ करके दिल्ली की गद्दी हासिल की थी? सही आंसर है इसका रुकनुद्दीन फिरोज। अगला प्रश्न है, भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? सही आंसर है इसका खेड़ा सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सबसे अधिक अर्थात इसका आंसर है 6 वर्ष का। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2009 जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर है AR रहमान। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच कितनी अवधि का होता है? तो आंसर है इसका 70 मिनट। अगला प्रश्न है, अपनी प्रसार नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा कौन है? इसका सही आंसर है दोस्तों समुद्र गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पोगेडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? आंसर है कोणार्क मंदिर, इसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो में किस उद्योग की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर है लौह इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 में विक्र शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया? आंसर जिम ओ नील ने किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला किस प्रकार का होता है? इसका सही आंसर है कैटेगरी है बिटुमिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है दुग्ध उत्पादन से, ये श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना गया है? इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले जी को, ये इनके राजनीतिक गुरु के नाम से विख्यात है। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टाइपराइटर की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका सही आंसर है सोज ने टाइपराइटर की खोज की थी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? इससे तो सभी परिचित होंगे, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य राई है, अक्सर शादी ब्याह में ये देखा जाता है। अगला प्रश्न, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में अव्यवस्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर है अनाईमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लवणीय मृदा भारत के किस राज्य में पाई जाती है? और इसका सबसे सही आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पर गौड़ जाति के लोग अधिकांशता पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस किले को भारत का जिब्राल्टर किला कहा जाता है? इसका सही आंसर है ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला ज्योतिरादित्य सिंधिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 21 मार्च को। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, वर्ष 1995 में पहला गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? सही आंसर है जूलियस नेरेरी। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब राज्य स्वामित्व का संस्थान बना? इसका सही आंसर है 1949 में। अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे GV मावलकर। मध्य प्रदेश का नेपा नगर किसका कारखाना है? इसका सही आंसर है अखबारी कागज का कारखाना नेपा नगर में है।
और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत की पहली स्वदेश निर्मित किस पनडुब्बी को 21 सितंबर 2017 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया? इसका नाम है कलवारी। अगला प्रश्न, गणित का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले इस पुरस्कार को किस प्रसिद्ध गणितज्ञ के नाम पर प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है? इसका आंसर है नील्स हेनरिक एबल। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से होता है? आंसर 5.5 घंटे आगे। अगला प्रश्न, मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हुए हैं? मेजर ध्यानचंद हॉकी से जुड़े हुए हैं। दोस्तों आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सोयाबीन की खेती किस राज्य के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर की जाती है? इसका सही आंसर है अपना ही राज्य, मतलब कि मध्य प्रदेश। मंडल पंचायत की सिफारिश किसने की थी? सही आंसर है अशोक मेहता कमेटी ने। अशोक मेहता कमेटी ने मंडल पंचायत की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न, किस नदी के तट पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है? हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आंसर चित्रकूट सतना में, और ये भी हमारे मध्य प्रदेश में ही आता है। अगला प्रश्न, पानपठा कोयला क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है दोस्तों उमरिया। उमरिया के अंतर्गत पानपठा कोयला क्षेत्र आता है। अगला प्रश्न, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। 2017 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया था? इसका सही आंसर है मूनलाइट को। इसी को लगभग सारे अवार्ड मिले थे। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? सही आंसर है दोस्तों इसका मालदीव। अगला प्रश्न है दोस्तों, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये अपने क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है जो वार्षिक रूप से खेली जाती है, देवधर ट्रॉफी। अगला प्रश्न, पोखरण में प्रथम परमाणु विस्फोट कब किया गया था? इसका सही आंसर है 1974। याद कीजिएगा दोस्तों, इसको अपने स्वतंत्रता दिवस से उल्टा कर दीजिएगा। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों गुजरात। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते? इसका आंसर है प्राकलन समिति, इसमें संसद की। अगला प्रश्न है, भारीय जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? इसका सही आंसर है दोस्तों छिंदवाड़ा जिले में, और ये भी अपने मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के दौरान चिपको वुमन किसे कहा गया था? इसका सही आंसर है गौरा देवी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। अगला प्रश्न, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है? लोकसभा को भंग करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? भारत में फेडरेशन कप फुटबॉल से संबंधित है, और ये फुटबॉल पर दिया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 30 सितंबर 2007 को सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? ये निकल चुका है, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर परियोजना स्थित है। रियो ओलंपिक 2016 में किस देश को अधिकतम स्वर्ण पदक मिले थे? इसका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला प्रश्न है, पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया था? आंसर है विनोद धाम ने। दोस्तों यदि कुछ प्रश्न छूट जाते हैं तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है? इसका सही आंसर है 12। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, श्वेत संगमरमर के पहाड़ कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों भेड़ाघाट जबलपुर में, यहाँ पे ही सफ़ेद संगमरमर पाया जाता है। अगला प्रश्न, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है, आंसर है इसका उड़ीसा में। इसके पहले भी ये कोणार्क मंदिर के बारे में जिक्र किया जा चुका है। अगला प्रश्न, जिस पुस्तक से वंदे मातरम उद्गत है वह है? आंसर है इसका आनंद मठ। अगला प्रश्न है, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। सबसे अधिक कपास की खेती महाराष्ट्र में ही होती है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों जोधपुर में, यह एशिया का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट है।
कबूतर किसका प्रतीक है? सही आंसर है इसका शांति का। शांति का प्रतीक माना जाता है कबूतर को। अगला प्रश्न, अकबरनामा लिखी गई किसके द्वारा? इसका सही आंसर है अबुल फजल द्वारा अकबरनामा की रचना की गई। अगला प्रश्न, हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग, हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। बगीचों का शहर कहा जाता है? इसका सही आंसर है बेंगलोर, ये काफ़ी लोगों को पता भी होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81। अगला प्रश्न, किस राज्य की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है? इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर, सबसे विभाजित राज्य। अगला प्रश्न, माउंट ब्लू किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? इसका सही आंसर है दोस्तों आल्पस पर्वत श्रृंखला की। अगला प्रश्न, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? इसका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक के पास। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर है दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम जलयान वर्ष 1948 में बनाया गया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था जल ऊषा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा, हरियाणा में लड़कियों की संख्या सबसे कम पाई जाती है। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा के कितने सदस्य आते हैं? इसका सही आंसर है 13 सदस्य लोकसभा के आते हैं। अगला प्रश्न, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? इसका सही आंसर है शिव जी को, शिव देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है दोस्तों तारापुर, जो कि स्थापित है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर है दोस्तों 1965 में, 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, वह नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है? इसका सही आंसर है ताप्ती, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। अगला प्रश्न, यूरिया खाद में कौन सा तत्व प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों नाइट्रोजन जो है वो यूरिया खाद में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 में हुई थी, मतलब मृदा को कैसे बचाया जाए। अगला प्रश्न, खाद्य और पोषण मंडल भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन है? इसका सही आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न, 2022 का फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? इसका सही आंसर है कतर में। अगला प्रश्न, गांव में स्वयं सहायता समूह किस लिए बनाया जाता है? इसका सही आंसर है सदस्यों की स्वयं सहायता हेतु। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? सबसे पहले मध्य प्रदेश था, पर अब पहले नंबर पर है राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को कब लॉन्च किया गया? इसका आंसर है 25 जुलाई 2015 को यह योजना स्टार्ट की गई थी। अगला प्रश्न, संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य है? इसका सही आंसर है दोस्तों सिक्किम। अगला प्रश्न, विक्टोरिया झील से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? इसका सही आंसर है विषुवत रेखा। अगला प्रश्न है, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? इसका बिल्कुल सही सटीक आंसर है आदमगढ़ से, आदमगढ़ से हमें इसके सबूत प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न, पंचायती राज का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे कब मनाया जाता है? इसका सटीक आंसर है 12 मई को, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे मनाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, वर्तमान में भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है नई दिल्ली में, लगभग सारे जो हेडक्वार्टर्स हैं वो नई दिल्ली में ही स्थित है। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? इसका सही आंसर है लोकसभा के। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है किस धातु का? इसका सही आंसर है टंगस्टन, टंगस्टन से इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है। अगला प्रश्न, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है, क्योंकि यही जलने में सहायक होता है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किसका है?
त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ बौद्धों का है, ये बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि लास्ट है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? इसका सही आंसर दोस्तों 149.6 मिलियन किलोमीटर, ये जो है दूरी सूर्य से पृथ्वी की है।